Mangalam Bhagavan Hero Mangalam Gautama Gani Mangalam Kundakundalyo Jain Dharmastu Mangalam Sarva Mangal Mangalam Sarva Kalyan Karakam Pradhanam Sarva Dharmanam Jainam Jaitu Sashnam Jainam Jaitu Sashnam Bitragi Dev Shastra Jeevan Prati Shashnam पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन वृत्तांत में आज एक महत्वपूर्ण पड़ाव आने वाला है और उस परिवर्तन के पहले की थोड़ी सी चर्चा है। इससे पहले कि आज हम विषय आगे बढ़ाएं, एक दो परिवर्तन या गलतियां जो कल हुई हैं उन्हें सुधारने के लिए बात करते हैं। हमने ये कहा था कि टोडरमल जी का जो हिंदी का मोक्षमार्ग प्रकाशक है, हिंदी में मन्नू लाल जी वकील साहब ने किया, सागर वालों ने, ऐसा नहीं है। देखने पर यह ज्ञात हुआ कि मगन लाल जी, पंडित मगन लाल जी ललितपुर, इन्होंने इसका हिंदी किया है। एक परिवर्तन तो यह था। दूसरा, थोड़े दिन पहले कहा था कि गुरुदेव को मैडम कहकर के कहते थे, चिढ़ाते थे, तो एक्चुअली ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है मैडम। ये बाद में हमें जानकारी मिला है मैडम को उर्दू बना, वो मैडम का गुजराती बना के मैडम मैडम बोलने लगे। तो ये आप चाहें तो एक जानकारी के लिए आपको है। एक जानकारी जो छूट गई है, गुरुदेव को 1978 में उमराड़ा में भी ओंकार का भणकार हुआ था। इसके पहले बिछिया में हुआ था, लेकिन 78 में उमराड़ा में भी ऐसा हुआ। एक चर्चा और कल आई थी, मूर्छा परिग्रह है वस्त्र नहीं, तब गुरुदेव श्री ने कहा था वस्त्र ग्रहण करने का भाव भी मूर्छा है। तो कल हमने चर्चा में इसे दर्शन मोह के अर्थ में लिया, मैं पहनने का करता हूं आदि आदि इस तरह से बोला था। तो आप इसे दर्शन मोह अकेला मत समझना, साथ में चारित्र मोह में जो वस्त्र ग्रहण का विकल्प है वह भी मूर्छा है। दिगंबर जैन शासन में दिगंबर मुनिराज होवे, छठे गुणस्थान में वस्त्र ग्रहण का विकल्प करें तो वो मूर्छा है, वो साचा साधु नहीं है। मैंने वस्त्र ग्रहण करने का विकल्प भी मूर्छा है। ये चर्चा थोड़ा सा खुलासा आपको कर दी है, एक कुछ बातें रह गई थी। आज अपन आगे चले, उससे पहले कल की चर्चाओं में 1987 चल रहा था संबत, अर्थात सन 1931। एक चर्चा आई कि जब गुरुदेव श्री की इस तरह की चर्चाएं होने लगी, इस तरह की कि जिससे नई नई बातें आने लगी, लोगों के मन में विरोध होने लगा, दामोदर सेठ नाराज होने लगे और लोग भी तकलीफ पाने लगे, ये तो आप अब तक की भूमिका में आप समझ चुके हैं। तो एक भाई बोला, भाई देखो ग्रुपिंग मत करो, बधानी एकता करो। क्या करो? बधानी एकता करो। अलग अलग क्या, ये अलग बोलते हैं, वो अलग बोलते हैं, वो अलग बोलते हैं, अपन हैं कितने से थानकवासी मुट्ठी भर, और उन्हीं में से इनका ग्रुप अलग हुआ, उनका मूलजी भाई का अलग हो गया, गुलाब चंद जी का अलग हो गया, हीरा चंद जी का अलग हो गया, आपका अलग हो गया। ऐसा करो, बधानी एकता करो। समझ में आ गया ना, बैकग्राउंड समझ में आ गया, सबकी एकता करो। तो गुरुदेव श्री बोले, भाई विचारनी एकता बिना, विचारनी ज्ञाननी एकता बिना, वर्तननी एकता केवी रीते था। एकता करें तो सही, बात तो सही, लेकिन करें कैसे ये तो बताओ है? हम सूरज को सूरज कहें, तुम चंद्रमा कहो, एकता होए कैसे? पुण्य भाव को तुम धर्म कहो, हम पुण्य भाव को पाप कहें, अब है? तुम बंद से मुक्ति कहो, हम बंद को मुक्ति कैसे कहें? भाई ये तो सूरानो मार्ग है, एकाकी विचरतों को मार्ग है, हम कैसे एकता करें? हाँ, हम एक बात पे तैयार हैं कि सब वस्तु स्वरूप का अध्ययन करें, वस्तु स्वरूप का निर्णय करें, सब एक हो जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हैं? बोलो, ऊंट और घोड़ा में एकता कैसे करें? समझ आ गया? ऊंट और घोड़ा में एकता कैसे करें बताओ, हैं? पुण्य पाप की चाल ऊंट जैसी है, ऊंट जैसी है,
और भगवान बनने का मार्ग तो एक शुद्ध 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 सीधी सीधी चाल है उसकी। तो अब एकता कैसे करें बोलो, समझ आएगा? ऊंट की सवारी समझ आएगी? ऊंट की सवारी, ऊंट की सवारी का मतलब है कि एक आदमी ऊंट के ऊपर स्थिर नहीं बैठ सकता, और थोड़ी देर पहले तो आगे जाता है, थोड़ी देर बाद पीछे जाता है। समझ आया ना? ऊंट ऊंट की सवारी देखिए, उस पर बैठने वाला आदमी ऐसे ऐसे होता रहेगा, ऐसे थोड़ी देर आगे जाएगा, थोड़ी देर पीछे जाएगा, थोड़ी देर आगे जाएगा, वो जाना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि ऊंट की वो पीठ पे वो निकली रहती है ना जो रीढ़ की हड्डी, उसके कारण उसे आगे पीछे होना ही पड़े। गुरुदेव श्री ये दाखला देते थे कि भाई जो जीव पुण्य में आया है वो पाप में जाता है, पाप वाला पुण्य में आता है, पुण्य वाला पाप में आता है, तो पाप पुण्य में आना ये तो ऊंट की सवारी है, पर यहां तो शुद्धोपयोग है, उसका नाम धर्म है, उसका नाम वस्तु स्वभाव है, वो मुक्ति का मार्ग है। अब एकता कैसे करें बताओ, है ना? इस तरह से 1987 का वर्ष पूरा हुआ, अभी 1988 संबत, 1988 सन के हिसाब से देखें तो 1932 चातुर्मास हुआ जामनगर में। जामनगर के चातुर्मास में एक चर्चा खास आई, हिम्मत भाई जो चंपा बहन के भाई हैं, हिम्मत भाई उन्होंने एक बहुत बढ़िया प्रश्न किया, एक मार्मिक चर्चा इसमें है कि साहेब दो जीव हैं और दोनों जीवों की 148 कर्म की प्रकृति, 8 कर्म 148 कर्म की प्रकृति, दो जीव समझ में आए, दो जीव और दोनों जीवों की 148 प्रकृतियों की स्थिति उदय उपशम क्षय क्षोपशम जो कुछ हो सकता है, क्षय नहीं लेना, क्षय भी कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, माने दोनों की एक्यूरेट बिल्कुल एक जैसी हो, एक सरखी, समझ में आए प्रश्न, दो जीवों की एक जैसी कर्मों की स्थिति हो, तो जीव तो दोनों ही त्रिकाली शुद्ध हैं, जीव तो असंख्यात प्रदेशी हैं दोनों, जीव के अनंत गुण भी एक बराबर हैं, अशुद्धता भी पर्याय में एक सी है, जितने गुणों की पर्याय में अशुद्धता वो भी है, और कर्मों की निमित्त, कर्मों का निमित्त में उदय उपशम क्षय क्षोपशम अपकर्षण उदीर्णा अबाधा जो कुछ है वो एक सी है, तो साहेब अगले समय में दोनों का एक सरीखा परिणाम होगा कि नहीं होगा? अब बताओ, अपन में सच कहते हैं, यदि बहन से किसी ने पूछा होता और ये नहीं सुना होता अपन ने, तो ये जवाब देना कितना कठिन था, क्या बताओ? दोनों जीव एक से त्रिकाली शुद्ध, दोनों ही असंख्यात प्रदेशी, दो ही अनादि अनंत, और दोनों के कर्म की स्थिति एक सी, निमित्त में, निमित्त भी एक सा, उपादान भी एक सा, क्या क्या, निमित्त एक सा, उपादान एक सा, अब अगले समय में परिणाम कैसा होगा? तो गुरुदेव बोले दोनों के परिणाम स्वतंत्र हैं, एक सरीखा नहीं होगा। उस समय की बात है, उस समय की, ओ अभी तो धड़ल्ले से प्रवचन शुरू हो गए होते, खूब पढ़ लिया होता, सुन लिया होता तो बात थी, उस समय बताना है कि समय सार जी, प्रवचन सार जी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पाने के बाद गुरुदेव श्री का ज्ञान कितना निर्मल हो गया, कि उस समय भी जवाब आया कि दो एक समय की पर्याय स्वतंत्र है, दो जीवों की लायका, दो जीवों की योग्यता स्वतंत्र है, दोनों की पर्याय एक सी नहीं होगी, दोनों के परिणाम एक से नहीं होंगे। गुरुदेव ने समय क्या जवाब दिया था कि उन दोनों में अकारण का अकारण पारिणामिक द्रव्य होने के कारण, अकारण अकारण माने कोई कारण नहीं है, अकारण पारिणामिक द्रव्य होने के कारण दोनों के परिणाम एक से नहीं होंगे। अब इसकी चर्चा तो अभी ज्यादा क्या करें, अकारण पारिणामिक, मैं अकारण पारिणामिक हूं, शक्कर मीठी क्यों है कि अकारण, सूरज गर्म क्यों है, अकारण, कोई कारण से नहीं, ऐसे ही भगवान आत्मा उसका द्रव उसकी गुण उसकी पर्याय अकारण पारिणामिक है, अकारण पारिणामिक है, है? पंडित जी जब तीर्थंकर हैं उसी भाव से मोक्ष जाना है तो चक्रवर्ती होने पर शांतिनाथ कुंथनाथ अरनाथ 96 रानियों का विवाह क्यों करते हैं, क्यों ऐसा भाव आता है, क्यों आता है भाव, अकारण पारिणामिक, कोई कारण नहीं आता है बस, तत् समय की योग्यता ही कारण है, दूसरा अकारण है, ये उस जमाने का उत्तर है ना। एक प्रश्न और आया, क्योंकि श्वेतांबरों में थानक में काल द्रव्य को नहीं मानते, छह द्रव्य में पांच द्रव्य तो मानते हैं, छठा द्रव्य नहीं मानते काल द्रव्य, और मानते हैं तो उपचार से, उपचार से, तो एक चर्चा सामने आई, तो गुरुदेव श्री ने भरे प्रवचन में कहा
कि जो जो काल द्रव को उपचार मानते हैं उस जम देखो उधर इधर नहीं माने थानक में काल द्रव को उपचार मानते हैं और थानक में ही बैठकर ये कह रहे हैं कि जो भी काल द्रव को उपचार मानते हैं उनको सम्यक दर्शन नहीं होगा, उनको निर्मल पर्याय नहीं होगी। अभी समझ में आ रहा है कुछ? समझ लो कि मैं गुरुदेव श्री की गादी पर बैठा हूं, यहां पर उनके मंदिर में उनकी समयसार जी को लेकर उनकी सब बातें कर रहा हूं और गुरुदेव के खिलाफ बोलूं, क्या करोगे भैया? महेंद्र भाई क्या करोगे? है ना कितना कठिन काम है। लेकिन गुरुदेव ने कह दिया जो काल द्रव को उपचार मानते हैं उन्हें सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि काल द्रव को उपचार माने तो काल द्रव तो निमित्त है, परिणमन में जीव की अवस्था फिरने में पलटने में निमित्त तो काल द्रव है और काल द्रव को मानते नहीं हो तो निर्मल परिणति नहीं होगी, सम्यक दर्शन नहीं होगा, उस जमाने में ये बात कह दी थी, है ना। और यहां पर इसी वर्ष में चेला गांव में शांता बहन प्रवचन सुनने आई। कहने का मतलब है कि शांता बहन हम सब में सबसे पहले नंबर की भागशाली ज्ञात मुमुक्षु हैं, ज्ञात मुमुक्षु समझ गए, सबसे पहली भागशाली जिन्होंने गुरुदेव श्री के मुख से समय सारजी सुना, क्योंकि अमरेली में चतुर्मास में प्रारंभ हुआ और वो वहां थे तो महाभाग है ना, ज्ञात लोगों की बात चल रही हो, बाकी तो महाभाग तो बहुत जीवों के हैं और सच्चा महाभाग तो परिणमन का है ना। लेकिन चूंकि प्रसंग आया इसलिए बात की है अपन ने, अभी समय ज्यादा नहीं खोए, बात बहुत बड़ी है और टाइम कम है इसलिए आगे चलते हैं। 1989 संवत में अर्थात सन के हिसाब से देखें तो 1933 मकर सुदी दशमी 26 नवंबर 1933 सोमवार का दिन चेला गांव में गुरुदेव थे, यहीं पर गुरुदेव श्री को एक सुंदर सपना आया। उस सपने का वर्णन सुनने जैसा है, बहुत सुंदर है। सुंदर सपना क्या आया कि गुरुदेव सोए हुए थे और सपने में यह आया कि एक बड़ी रकम की हुंडी आकाश से गुरुदेव की गोद में गिरी, आकाश से एक हुंडी बहुत बड़ी रकम की, वो मोटी रकम, वो गुरुदेव की गोद में एक हुंडी गिरी। गुरुदेव ने खोलकर देखी, बहुत मोटी रकम। फिर दुकान पर सेठ की दुकान पर गए पेड़ी पर कि भाई इस हुंडी का पैसा दे दो, तो सेठ बोला कि भैया इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है। गुरुदेव दूसरी दुकान पर गए लेकिन पैसा तो मिला ही नहीं। अब पैसा नहीं मिला तो गुरुदेव मुरझा करके बैठ गए, क्या करें क्या, बैठ गए। अब मोटी हुंडी मिली लेकिन भुने ही नहीं। गुरुदेव श्री जब बाद में प्रवचन करते थे तो उस स्वप्न का अर्थ करते थे, वो मैं सुनाता हूं, सुनो। गुरुदेव कहते थे अरे इस दुकान पर कैसे भंजेगी स्थानक की दुकान पर, जो समय सार की हुंडी आकाश से मिली है, निमित्त आकाश से निमित्त उतरा है, हमें तो मांगा नहीं था ना, समय सार जी मांगा तो नहीं था ना, डिमांड तो नहीं की थी ना, हम ढूंढने तो नहीं गए थे ना, लेकिन आकाश से हमारे भविभागन से जो समय सार जी की हुंडी मिली, इसका अर्थ, इसका भावार्थ, इसकी समझ थानक में नहीं मिलेगी, और आखिरकार हमारा परिवर्तन हो करके ए हुंडी दिगंबर पेड़ी पर भुनी, इसकी इतनी कीमत मिली कि गुरुदेव ने स्वयं ने खाया और सारे जगत को खिलाया, फिर भी कम नहीं हुआ। एक गुरुदेव श्री अर्थ कर दे देश का, है ना। हाँ हाँ, मूल रकम प्राप्त हुआ कि स्वयं भी तृप्त हुए और जगत के लाखों लोगों को भी तत्व ज्ञान का अमृत पान करा करके निहाल किया। इस साल चातुर्मास फिर से जामनगर में हुआ, है ना, और यहीं पर गुरुदेव ने खुद जिस चेस सुधी तेरस को परिवर्तन किया, उन्होंने खुद लिखा है, उसी दिन लिखा है, वो बताऊंगा अभी आपको, कि यहां जामनगर में मेरे को अत्यंत वेदना हुई, वेदना माने तड़फ, कि मैं कब परिवर्तन करूं, यहां से तीव्र धड़क यहां से प्रारंभ हुई, जिसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। फागुन बदी दसवीं चंपा बहन श्री को बांकानेर में समकित की प्राप्ति ही हुई 19 वर्ष की उम्र में, शांत चंपा बहन 19 वर्ष की उम्र और बांकानेर में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। सम्यक दर्शन हो गया तो इतना उत्साह है
कि गुरुदेव को बताने भी आए राजकोट में, लेकिन गुरुदेव श्री तो बात करते नहीं थे ना, बहनों से बात करते नहीं थे, तो बताने का अवसर नहीं मिल पाए, तो वापस चले गए। बाद में फिर पुरुषोत्तम कामदार, श्रीमान पुरुषोत्तम कामदार जी के साथ फिर आए और फिर गुरुदेव को बताया। अब बताया क्या, वो भी सुनने जैसा है। इतना उल्लास था कि गुरुदेव श्री को बोले, गुरुदेव साहेब मने छाएक समकितनी प्राप्ति थई गई। क्या बोला? छाएक सम्यक्त हुआ है मुझे, इतना प्रचुर वेदन से मेरे को छाएक सम्यक्त हुआ है। तो गुरुदेव नीचे मुंह करके हंसे। बोले कुछ नहीं, क्यों अभी उत्साह बहुत था ना, बोला कुछ नहीं, एक दो बार बोल दिया कुछ नहीं। फिर हिम्मत भाई को बुलाया, भाई पंचम काल में छाएक सम्यक्त नहीं होता। पंचम काल में छाएक सम्यक्त नहीं होता, लेकिन ठीक है, उत्साह है ना, आत्मानुभव का उत्साह है ना, इसलिए हम कुछ नहीं कहते। बाकी सच्ची बात है कि केवली के पाद मूल में छाएक समकित होता है, पंचम काल में तो छाएक समकित होता नहीं है। मैंने फिर बाद में बुला करके समझा दिया, तो कहले अच्छा अच्छा कहीं बात नहीं। बहुत सीधी चंपा बहन भी, बहुत सीधी, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान, विलक्षण बुद्धि। और आपने यदि उनका पढ़ा होगा, सुना होगा, कई परिचित आप लोग बैठे हो, उनके जीवन में एक बहुत खास बात की बोलना कम से कम, गंभीरता घणी, बोलना नहीं बस। मतलब तो गुरुदेव को बता दिया इतनी बात, अभी और आगे बताऊंगा इनके जीवन की और विशेषताएं बहुत अच्छी अच्छी, वो बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी समय नहीं ना आगे बताने की है सारी बातें। इसके बाद शांता बहन उसी स्थान पर आई जामनगर में, तो गुरुदेव श्री ने शांता बहन को भी ये प्रेरणा की कि अब तुम चंपा बहन का साथ करो, इनके साथ रहना, अलग नहीं रहना। यहां से दोनों बहनें पूरे जीवन साथ साथ रही, क्योंकि दोनों को अर्पणता बहुत थी। गुरुदेव ने हमको आज्ञा की है, माने की है बस। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आपको ये बात मालूम है कि शांता बहन 4 वर्ष बड़ी उम्र में, चंपा बहन 4 वर्ष छोटी। ऐसा होने पर भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति पहले चंपा बहन को हुई, तो शांता बहन ने पूरे जीवन उन्हें गुरु तरीके देखा, पूरे जीवन। आश्रम में व्यवस्था तो वे संभालती थी शांता बहन, अंदर की बाहर की, ब्रह्मचारिणी बहनों की, इसकी उसकी, लेकिन एक भी भलामण, एक भी शिखामण आपने से पहले वो चंपा बहन के पास जाकर के पूछती थी, ये बहन का ऐसा ऐसा हो गया है, आप बोलो मैं क्या करूं, आप बोलो तो आपके पास बुलाऊं। तो बोले मेरे तुम्हारे ऊपर विश्वास है, तुम बोल दो। यानी पहले अनुमति ले, अनुमति। मैं ये बात क्यों बताना चाह रहा हूं कि ऐसे व्यवहार तो मात्र आरिकाओं के बीच में होता है, आरिकाओं के बीच में, गुरु शिष्य जैसे संबंध, ये दोनों तो बहन बहन जैसे होना चाहिए थी ना, लेकिन हर छोटी बड़ी सलाह दोनों बहनें मिल करके करें। जो ब्रह्मचारिणी बहनें होंगी उन्हें अच्छी तरह से याद है कि चंपा बहन तो शांत बैठी रहे, लेकिन शांता बहन पहले आकर उनसे चर्चा कर ले, क्या कहना है इनको। कभी ऐसा नहीं हो कि मैं कुछ कहूं आप कुछ कहो तो फिर विरोध हो जावे, और जब दोनों में सलाह हो जावे तब जिस बहन की गलती हो उसे खानगी में बुला के, प्राइवेट में बुला के, और फिर उन बहन के सामने उनको टोकते थे, समझाते थे, कोई सीख देना तो देते थे। यहां क्या बताना है मेरे को, अर्पणता, गुरु तरीके पूरे जीवन। बोलो अभी आगे 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 बताएंगे, थोड़ा थोड़ा आगे बताएंगे, अब थोड़ा थोड़ा सुनते चलो अभी, है ना। यहां से दोनों बहनें साथ रहने लगी। इसके बाद जून के महीने में जेठ माह में चोटीला में गुरुदेव का उतारा हुआ, वहां पर गुलाबचंद जी साधु जो दीक्षा से पूर्व में मिले थे, दीक्षा से पूर्व में जिन्होंने अनुदिष्ट स्थानक की चर्चा की थी, गुलाबचंद जी साधु, ओ यहां पर मिले चोटीला में, और इनका उतारा एक साथ होना चाहिए था, लेकिन गुरुदेव का और इनका विचार मिलता नहीं था, तात्विक चर्चा मिलती नहीं थी। गुरुदेव कहे मैं तो इनको साधु मानता ही नहीं, इतना तक तो दोनों का उतारा अलग अलग हुआ। लेकिन गुलाबचंद जी को प्रेम आया कि भाई अलग अलग उतरना अच्छी बात नहीं है, तो स्पेशल संदेश पहुंचा करके उनको अपने स्थानक में बुलवाया, और गुरुदेव सरलता से आ भी गए, साथ ठहर भी गए।
हुआ क्या, तो इस तरह से दोनों आनंद से वहां पर रहे। ये सरलता दिखानी इसमें। यहां पर एक बहुत बढ़िया चर्चा हुई, जो समझ लो आज के प्रसंग में ये आखिरी है, उस समय की चर्चा होगी कि वहां एक प्रश्न आया कि जीव रागी है, अभी तो राग है, राग मिटाएं तो बीतरागी हो, राग दूर करें तो राग दूर हो। तो गुरुदेव श्री ने एक बहुत जोरदार जवाब दिया, जीव को राग वाला अल्पज्ञ मानता है जो, वह स्वयं के जीव को आड़ मारता है। जो अपने को रागी देखता है, जो अपने को अल्पज्ञ देखता है, वो अपने जीव को आड़ मारता है। आड़ समझते हैं? आड़ आड़ क्या बोलना, बाधा डालता है, ढांकता है, देखता ही नहीं है, ऐसे पहचान नहीं गई, नहीं कभी पहचान नहीं सकेगा। और गुरुदेव श्री कहते हैं इसका फल ये मिलेगा कि यह जीव इसके फल में, अपने को रागी अनुभवने के फल में ऐसी जगह जन्मेगा कि आज जीव छह ना ये कोई पहचानने वाला नहीं मिलेगा। आज जीव छह ऐसे कोई पहचानने वाला नहीं मिलेगा। ये कोई जीव ऐसे कोई, क्या मतलब, आलू में चला जावे कोई पहचानने वाला नहीं मिलेगा, ये जीव है। पानी में चला जावे कोई पहचानने वाला नहीं मिले, ये जीव है। वायु में चला जाने खबर नहीं पड़े, ये जीव है। ये गुरुदेव श्री ने उधर ताकत से कही। और इसके बाद 1990 का वर्ष, संबत 1990 और हमारी सन के हिसाब से 1934, राजकोट में अंतिम चतुर्मास हुआ। यहां पहली बार आए, पिछली बार मैंने जब बोला था वो गलत बोल दिया था कि 2 साल लगातार 9 महीने 10 महीने वहां रहे, वो बात ठीक नहीं थी, ये यहां पर ये बात सही है। अंतिम चतुर्मास करने के लिए गुरुदेव राजकोट पधारे। बस यहां से एक क्रांतिकारी कदम उठने वाले हैं जिसकी हमें इंतजार है ना। यहां पर चतुर्मास पूर्ण होने पर स्वयं ने अंतर में निर्णय किया कि इस संप्रदाय में मुझे रहना नहीं है, अब मुझे रहना नहीं है, यह तो मायाचारी है, सिंह वृत्ति नहीं है, ये कोई सिंह वृत्ति नहीं है, सिंहों का मार्ग, ये सूरवीरों का मार्ग है, ये कोई हमारी सिंह वृत्ति नहीं है। निडरता से मुझे घोषणा कर देना चाहिए, मुझे डरना नहीं चाहिए, मुझे निडरता से घोषणा कर देनी चाहिए। यहां के ये राजकोट थोड़ा भाग्यशाली है, किस मामले में, एक छोटा गांव नहीं था ना, बड़ा गांव था, स्कूल कॉलेज की सुविधाएं थी, पढ़े लिखे लोग थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, वकील थे, एडवोकेट रामजी भाई वगैरह, तो गुरुदेव को इन पर बड़ा प्रमोद आता था, चर्चा पकड़ते थे। और गुरुदेव श्री ने यहां पर समय सार जी की गाथा 1 से लेकर 99 तक चलाई इस चतुर्मास में, तो जी पकड़ रहे थे, रामजी भाई वगैरह सब पकड़ रहे थे मजा। तो गुरुदेव को लगा कि हो ना हो यहां अपना काम हो सकता है। जब चतुर्मास पूरा होने को आने लगा तो अंदर की बात देखो कैसा लगता होगा, अपनी अंदर की बात अंदर ही घुट रही हो, किसी से ना कह सके। और यहां पर चतुर्मास में पहली बार कहने की हिम्मत, अभी तक कहीं नहीं, 78 से 90 कितने बरस हो गए, 12 बरस, कहने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन यहां सोचा हम निडरता से कह ही देते हैं, विचारक हैं, समझदार हैं, ये लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, समझदार हैं, रामजी भाई वगैरह हैं, औरों का तो क्या नाम ले बोलो, ऐसा सोच करके कि ये पढ़े लिखे हैं, सत्य के जिज्ञासु हैं, अतः यहीं पर परिवर्तन का अभिप्राय प्रकट कर देना चाहिए। और आखिरकार रामजी भाई वगैरह को अकेले में बुला करके कहा भी, लेकिन रामजी भाई को पसीना छूट गया। अरे इतना बड़ा कदम, हिम्मत नहीं पड़े ना, क्योंकि सामान्य बात नहीं हुई, इसके बाद तो घटनाएं बहुत घटी हैं, बताऊंगा धीरे 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 है। अरे रे, अब गुरुदेव को रात चैन नहीं, दिन चैन नहीं, नींद उड़ गई, अंदर में ऐसी तड़फड़ाहट लगी, नहीं क्या करूं क्या नहीं करूं। आखिरकार यहीं पर प्रवचन में जोरदार बात कही जो आपने बहुत पढ़ी होगी, पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत वही सच्ची शुरुआत है, ये बात गुरुदेव ने यहीं के प्रवचन में इसी सन में कही थी 1934 में। पूर्णता के लक्ष्य से अर्थात मोक्ष के लक्ष्य से जो शुरुआत है वही सच्ची शुरुआत है, दूसरी कोई शुरुआत नहीं है। आखिरकार यहां का चतुर्मास पूरा हो गया, लेकिन मन की भावना पूरी नहीं हुई। यहां से गुरुदेव अब कहां जाए, देखो कहां जाए, चलते चलते बिहार करते करते जामनगर पहुंचे। जामनगर में 100 नंबर की गाथा ली, 100 नंबर की गाथा जिन्होंने पढ़ी होगी उन्हें मालूम है, अद्भुत 100 नंबर की गाथा यहां पर ली, प्रवचन हो गया।
लेकिन अभी अंदर में तो दिमाग कहीं और चल रहा है, कहां जाऊं जाऊं कहां जाऊं, कहीं सहारा नहीं दिखाई दे रहा। यहां से चलते चलते ध्रुवण आए, ध्रुवण गढ़ड़ा आए, ध्रुवण में भी कुछ नहीं हुआ, छोटे छोटे गांव। अंदर में ये बात थी कि ठीक है परिवर्तन तो मुझे करना ही है, करना ही है, वो तो अब बात ही नहीं है, कोई भी नहीं था। अभी वो ध्रुवण आए, ध्रुवण से गढ़ड़ा आए, यहां पर हरि भाई भायाणी मिले, हरि भाई भायाणी है ना, यहां से उनका बिहार में साथ साथ चलना हुआ। गढ़ड़ा से उमराड़ा आए, उमराड़ा में और गढ़ड़ा में दोनों जगह उन्होंने अपने, क्योंकि घर था ना गांव, पैतृक गांव था गढ़ड़ा और उमराड़ा में भी घर था, तो उन्हें पूरा विश्वास था कि मेरा इतना प्रभाव है, लोग मेरे ऊपर इतने फिदा हैं, तो ये लोग मुझे सहयोग करेंगे। और दोनों जगह जाहिरात की, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन अब बात फैल चुकी थी, अब कानों कान आग की तरह बात फैल चुकी, राजकोट से फैलना शुरू हुई, तो ध्रुवण गढ़ड़ा और उमराड़ा से साधु संघों में खलबली मच गई, जगह जगह मीटिंगें होने लगी, मन थानकों में किसी तरह भी रोको, परिवर्तन नहीं होना चाहिए, गमे जो करो, पट्टी में प्रवचन करो, समय सार बांचो, जहां रहना है वहां रहो, किसी भी कीमत पर। क्या कह रहे किसी भी कीमत पर, जगह जगह कितने कितना कोलाहल हुआ होगा, कल्पना कर सकते हो, गांव गांव मीटिंग, प्रस्ताव ए वो, एक तरफ गुरुदेव अकेले, हरिभाई भायाणी साथ में, दूसरी तरफ पूरा दिगंबर, तो अभी कोई है ही नहीं। ये गुरुदेव की विल पावर समझ सकते हो, विल पावर, सत्य के खातिर प्राण दिए जा सकते हैं लेकिन अपना अभिप्राय नहीं मोड़ा जा सकता। और देखो यहां से चलते चलते बात फैल गई, तो यहां पर एक बहुत सुंदर चर्चा हुई है जिसकी हम चर्चा उठा रहे हैं थोड़ी सी। खास तौर से सबसे पहले बड़े बड़े सेठों में जिनकी 10 लाख रुपए साल की पैदाश गुरुदेव बताते थे, ऐसे दामोदर सेठ और एक छबील दास बापू, ये दो व्यक्तियों का, और ऐसे और भी समय समय पर, एक दिन की बात थोड़ी है, रोज रोज संघ आने लगे, रोज रोज प्रस्ताव आने लगे, रोज रोज कोई ना कोई आकर के समझाने लगा कि साहेब आपको जो करना है करो, लेकिन कम से कम परिवर्तन मत करो, समझ लो, अब हालात तो समझ रहे हैं ना। अभी देखो तो क्या हुआ, तो सबसे पहले मैं कुछ मेरे को मिले हैं नोट्स, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। गुरुदेव ने छबील दास बापू, अभी चर्चा तो लंबी है ना, बहुत लंबी मैं नहीं सुना रहा हूं, थोड़ी थोड़ी में सुनाना है मेरे को। सेठ दामोदर प्रसाद ने कहा, दामोदर सेठ ने कहा साहेब आप गमे ते बांचो, तेनो संग ने कोई बांधो नथी, पण आप आ बेस आ संप्रदाय ना छोड़ो, है ना। गुरुदेव बोले भाई अंतर मां काई बीजू राखवो ने बाहे मां काई बीजू कहवू, ये हमारो स्वभाव नथी, ये हमारा स्वभाव नहीं है कि हम अंदर में कुछ दूसरा सोचें और बाहर में दूसरा कुछ कहें, ये हमारा स्वभाव नहीं है। सेठ दामोदर बोले भाई अरे, मतलब तो कितनी वार्ता हुई होगी आप कल्पना कर सकते हो, कितनी चर्चा हुई होगी, सेठ ने कितना कहा होगा, है ना। गुरुदेव बोले, सेठ दामोदर बोले भाई, है ना, समझाने लगे। उसी समय खुशहाल भाई भी था वहां, खुशहाल भाई भी आ गए थे, क्यों परिवर्तन की खबर मालूम पड़ी ना, खुशहाल भाई वगैरह सभी इकट्ठे हो गए थे। गुरुदेव मुस्कुराकर बोले भाई आप मुख पट्टी नानी होवा छता पण ग्रहित मिथ्यात्व जेवा घोर पापनी घोषणा करे छे। बात यह नहीं कि मैं मुख पट्टी छोड़ू कि रखू, आ छोड़ भी के रख भी आ कहीं बात नहीं, पर ग्रहित मिथ्यात्व जेवो मोटा पाप मिथ्यात्व नी घोषणा करे छे। भाई बात आ पट्टी नी नथी पण तेनी पाछण छुपाईल खोटी मान्यता नी छे, आ सामान्य लागती पट्टी राखवा के छोड़ भी एमा तमने कोई मोटी बात लागती नथी, पण भाई एमा तो उगम नो आथम नो फेर छे, इसमें तो आकाश पाताल का अंतर है, हम क्या कहवे तुमको, हैं ऐसी आवी दृढ़ता जोई एटले
લોકોએ ભય પણ બતાવ્યો, ભય ભી બતાયા. હે દામોદર શેઠ આખિરકાર ગુસ્સામાં બોલે, કાનજી સ્વામી તમે ધ્યાન રાખજો કે જો પરિવર્તન કરશો તો પછી કોઈ તમારી પાસે આવશે પણ નહીં. અબ થાનકવાસી કા કોઈ નહીં આયેગા, દિગંબર હૈ નહીં, દિગંબર કોઈ હૈ નહીં, થાનકવાસી કોઈ આવશે નહીં. હે ધ્યાન રાખજો, તથા તમે જ્યાં જશો ત્યાં પણ લોકો નહીં આવે, લોકો તમારી વાત સાંભળશે નહીં, અરે લોકો આહાર પાણી પણ આપશે નહીં. પરિણામ વિચારી લેવો, ચડ ગયો ને ગુસ્સા ગયો તો પરિણામ વિચારી લેવો. ગુરુદેવ બોલે, ભાઈ દામોદર શેઠ સાચું શું છે અને શું નથી એ અમે જાણીએ છીએ, એ અમે જાણીએ છીએ. રહી વાત પરિણામની, તો જે પરિણામની તમે વાત કરી રહ્યા છો તેની તો અમે કરી જ નથી. તમે જિસ પરિણામ કી વાત કર રહે હો ઉસકી તો હમને આજ તક ચિંતા કરી નહીં હૈ, પણ અમે જે કરી રહ્યા છીએ તેના ફલમાં તો અનંત સંસારના અભાવ થવાનો છે. હમ જો કર રહે ઉસકા પરિણામ, તુમ કહે રહે પરિણામ વિચાર લો, હમને પરિણામ વિચાર લિયા, ક્યા વિચાર લિયા કે જો પરિણામ હમ કર રહે ઉસ પરિણામ કા ફલ તો અનંત સંસાર કા અભાવ હોના હૈ, ઓર જિસકી તુમ ચિંતા કી બાત કરતે હો ઉસકી તો હમે ચિંતા કભી કી નહીં હૈ. દામોદર શેઠ અમારો આ ભાવ, ભાવનો અભાવ કારણા માટે છે, અભાવ કરવા માટે છે, કોઈ પણ પક્ષ કે સંપ્રદાયના પોષણ માટે નથી, નથી એ દ્રઢતા કા જવાબ હે ને. ઇસ તરહ સે બહુ ચર્ચા હુઈ, છબીલ ભાઈ ભી વહાં થે, ઉન્હોને ભી બહુ સમજાયા કે દેખો સાહબ માન લો માન જાઓ, આપ જો કહો હમ કરને તૈયાર હૈ, આપ કહો હમ થાનક બનાએ, આપ કહો હમ હીરે સે તોલ દે આપકો, આપ કહો દાન કરો તો દાન કરને તૈયાર હૈ, આપ જો કહો તો, લેકિન મુંહ પટ્ટી મત છોડો. બોલો, હમ તો યે દિગંબરો કો એ વાત સમજાતે તો એ મેં દ્રષ્ટાંત દેતા હું કે આજ વિદ્યાસાગરજી કા ઇતના પરિચય હૈ સમજ લો દિગંબર સમાજ મેં, ઓર બે આજ ઘોષણા કર દેવે કે મેં દિગંબર નહીં રહેના તો પૂરે દિગંબર સમાજ કી હાલત ક્યા હોગી એ કલ્પના કરો. એ હાલત ગુરુદેવ કી ઉસ સમય થી, કલ્પના નહીં કર સકતે, કલ્પના હો કર સકતે હો, ઓર એક ભી બહાર મેં કોઈ સહાયક નહીં, એક હરિભાઈ દામાણી સિવાય અભી કોઈ થા નહીં. હે તબ તબ ગુરુદેવ બોલે, છબીલદાસ કો ભી સમજાયા, અમે રોટલા ખાવા માટે ઘર નથી છોડ્યું. છબીલદાસ બાપુ બડે થી ને ઉંમર મેં બડે થી, છબીલદાસ બાપુ અમે રોટલા ખાવા માટે ઘર નથી છોડ્યું અને રોટલાની ચિંતા કરવા વાળા ઘર નથી છોડતો. રોટલી ખાને કી ચિંતા વાળે ઘર નહીં છોડા કરતે બાપુ, અમારે ઘર પણ ક્યાં કમી થી, કમી છે અમારે ઘર મેં ક્યાં કમી થી હે ને. આ સત્ય ધર્મને માટે તો અમે ચક્રવર્તીની સંપદા પણ ત્યજીએ છીએ. તમે તો રોટી કી વાત કરતે હો, યદી ચક્રવર્તી કી સંપદા ભી મિલે તો હમ ઉસે ઠોકર મારને તૈયાર હૈ. ઓહો હો, અબ એસી બાતે સુન કરકે તો એસા લગતા હૈ કી મને ક્યા કહેવે ને ઇન ગુરુદેવ શ્રી કો, એકાકી કોઈ હૈ નહીં, ઓર એસા વ્યક્તિ અકેલા તૂફાનો સે જૂઝ રહા હૈ અભી. તબ તો હમે દિગંબરો કો મેં તો બહુત કહેતા હું, તુમ્હારી કિસ્મત ખરાબ હૈ જો તુમ પરખ નહીં પા રહે ઇસ વ્યક્તિત્વ કો, કિસ્મત બહુત ખરાબ હૈ. અરે રે ભાઈ ક્યા કહેવે, અરે પ્રભુ, કારણ કે હવે અમને અશરીરી થવાનો રસ્તો મળી ગયો છે, મોક્ષનો માર્ગ મળી ગયો છે. મને કુંદ કુંદાચાર્યના શાસ્ત્રોથી લાગ્યું છે કે દિગંબર ધર્મ જ સાચો ધર્મ છે, સંપ્રદાય ધર્મ જ જૈન જ નથી. ક્યાં કહે રહે હૈ, થાનક સંપ્રદાય આ જૈન જ નથી, જૈન હી નહીં હૈ. હમે કુંદ કુંદાચાર્ય દેવ કે શાસ્ત્રો સે લગા હૈ કે દિગંબર ધર્મ હી ધર્મ હૈ, બાકી તો હૈ હી નહીં. હે એસી બહુ ચર્ચા ઇસમેં હૈ ભાઈ. જે ભી અંતરમાં સાચી માન્યતા છે તે જ પ્રમાણે બહારમાં પણ અમારું વર્તન હોવું જોઈએ. જેથી સાચી માન્યતા વેસા બહારમાં પ્રવર્તન હોના ચાહીએ. અંતરમાં મુખપટ્ટીનો નિષેધ છે,
તો બહારમાં પણ અમારે એ ના હોઈએ, એ ના જોઈએ. હવે મારાથી આ માયાચારી નહીં થાય, આ મેરે સે માયાચારી હો સકતી નહીં હૈ. પુણ્યને ધર્મ માનવો અથવા પુણ્યને ધર્મમાં મદદરૂપ મનાવવો હવે મારાથી નહીં બની શકે. સમજમાં આ રહા કુછ? ગુજરાતી લોકો તો જરા અચ્છી સમજમાં આ રહા હોય, યદિ કોઈ હિન્દી વાલે હોંગે તો નહીં સમજમાં આવે. કે પુણ્ય કો ધર્મ કહેના યા પુણ્ય કો ધર્મ મે મદદગાર કહેના. શુભ ભાવ કરતે 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 કુછ તો શુદ્ધ ભાવ હોગા, મદદ મિલેગી. એ કહેને કી શક્તિ હમે નહીં હૈ. હમ તો દિગંબરો મેં અપને ઘરો મેં એ વાત કહેતે હૈ, મંદિરો મેં અપને ગાંવ મેં જબ પ્રવચન કરતે હૈ કે યદિ ઉને પુણ્ય મેં ધર્મ કહેના હોતા તો થાનકવાસી મેં પુણ્ય ક્રિયાઓ કી કહાં કમી થી. ઉની પુણ્ય ક્રિયાઓ કા નિષેધ કરકે તો ઇધર આયે થે, ઓર તુમ્હારી પુણ્ય ક્રિયાઓ કો વો ધર્મ કહેને તો ઇસકે લિયે આયે થે. કે વો ઇસકે લિયે આયે થે? હે અરે રે પ્રભુ, હમ તો અબ એ વાત કહે સકતે નહીં હૈ. ભાઈ સનાતન દિગંબર જૈન ધર્મ જ સત ધર્મ છે, તો સત્યના સ્વીકાર માટે અસત્યનો નિષેધ પણ અત્યંત જરૂરી છે. સત્ય કી સ્વીકૃતિ હોઈ હૈ તો અસત્ય કા નિષેધ કમ્પલસરી હૈ. જે ચીજ મને અંતરંગ પૂર્વક સ્વીકાર નથી એને હું બહારમાં કેવી રીતે સ્વીકાર કરી શકું? હું મુંહ પટ્ટી બાંધી શકું તેમ નથી, મેં મુંહ પટ્ટી બાંધ સકતા નહીં હું. એ તરહ સે ગુરુદેવ ને સ્પષ્ટ સબકે લીએ જવાબ દે દિયા. લેકિન અભી રસ્તા તો નહીં મિલા ના, ઓર અભી તો જગહ જગહ તૈયારીયાં હો રહી હૈ. સમજ લો તો જો ખલબલી મચ સકતી હો સમજ લો બસ. આખિરકાર ઉમરાણા મેં ભી જગહ નહીં મિલી, વહાં સે ભી ચલ દિયે. ચલતે 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 હરિભાઈ ભાયાણી ને કહા કે ઠીક હૈ, બરતેજ એક છોટા સા ગાંવ હૈ બરતેજ, ઓર હમ વહાં પર જાકર એક કિરાયે કા કમરા લે લેતે હૈ. ક્યા કર રહે હૈ? કિરાયે કા એક કમરા ભાડે સે, ઓર આપ વહાં પર રહે કરકે અપના કામ કરના, મુજે કોઈ દિક્કત નહીં, મુજે જો બનેગા મેં આપકી સેવા મેં હાજર હું. મેં ઇસ સમય હરિભાઈ ભાયાણી કો ભામા સાહેબ કહેના ચાહતા હું. જૈસે મહારાણા પ્રતાપ જંગલો મેં ધક્કે ખા રહે થે, કેસી બુરી દશા થી કે ખાને કે લીએ દાને નહીં થે જિસ સમય, ઉસ સમય ભામા સાહેબ ને અપના સારા ધન ખજાના લા કરકે સમર્પિત કર દિયા. એસે ઇસ વ્યક્તિ ને એ તન મન ધન જીતના ઉનકે પાસ તાકત થી ઉતના લાકર સમર્પિત કર દિયા, ઓર ઇસ છોટે સે સમર્પણ કે બીજ ને આજ હમ સબકો નિહાલ કર દિયા. હમ તો જીતની જીતની પ્રશંસા કરે ઇસ સમય ઉસ એક વ્યક્તિત્વ કી ઉતની કમ હૈ ઇસ સમય. ઓર ઇસ તરહ સે ચલતે ચલતે બરતેજ મેં આને કા કાર્યક્રમ બનાયા, પરંતુ મેરે ખ્યાલ સે ઉમરાડા મેં એક દૂધી બહેન રહેતી થી. દૂધી બહેન એ થાનક મેં વિવાહી ગઈ થી, લેકિન ઇનકે જો ભાઈ થે હરગોવિંદ ભાઈ મોદી, જેઠા ભાઈ નાગર ભાઈ, એ વૈષ્ણવ ધર્મ પાલતે થે. ખબર ઇસકો ભી મિલ ગઈ કે ગુરુદેવ પરિવર્તન કરના ચાહતે હૈ, તો દૂધી બહેન કો ચેન નહીં પડી. દેખો એક દેખો જેને પુણ્ય બાંધના થા, જેને અનુમોદના કરની થી, ઉન્હોને કરી. આખિર દૂધી બહેન ને ખબર પહોંચાઈ હરગોવિંદ ભાઈ કે પાસ કે તમ અપને ગુરુદેવ કો આગે આકર કે નિમંત્રણ દો, નિમંત્રણ દો કે અપને ઘર પર રહો, કહી જાને કી જરૂરત નહીં હૈ. થાનકવાસી ગુસ્સે મેં, થાનકવાસી તો ક્યા સમજે ગુરુદેવ કો, હીરે કી કદર નહીં આતી હૈ, અપને ઘર કા જ્ઞાની જીવ આજ પરેશાન હો રહે હૈ, ગુરુદેવ કો રાત રાત નીંદ નહીં આ રહી, આંખે સૂજ રહી હૈ, આંખે લાલ હો રહી હૈ, ગુરુદેવ કે ચહેરે પર ચેન નહીં દિખાઈ દેતી હૈ, એ થાનકવાસી ક્યા પહેચાને. તો અપને ભાઈ કો ખબર પહોંચાઈ કે તમ જા કરકે ઉને નિમંત્રણ દો. હરગોવિંદ ભાઈ મોદી કી પત્ની કા નામ વિજયાબેન, ઓ વિજયાબેન ને ઉનકો કહા કે તમ અભી જાઓ, અભી જાઓ, ગુરુદેવ કો આમંત્રણ દે કરકે સાદર ઇજ્જત પૂર્વક અપને ઘર મેં લાવો, ઓર ગુરુદેવ કો જો સુવિધા ચાહીએ હમ દેંગે. કોન કોન જગા? વૈષ્ણવ. ઇન ઇસ પરિવાર ને પૂરે પરિવાર ને ગુરુદેવ કે નિમિત્તે ફિર જૈન ધર્મ અંગીકાર કિયા પૂરા. ઓર જબ તક ગુરુદેવ વહાં રહે, દિગંબરો કે ઘર નહીં થે, થાનક કે ઘર નહીં થે, કેવલ દો પરિવાર થે, હીરા ભાઈ ભાયાણી હે ને, ભાયાણી કી દામાણી હે, ભાયાણી હે ને, ભાયાણી. એક મિનિટ મેં બતાતા હું અભી.
दामाणी 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 हीरा भाई धामाणी, ये भी वैष्णव परिवार। केवल इन दो परिवारों ने इनके भोजन की व्यवस्था रखी, जबकि हीरा भाई दामाणी गरीब थी, सामान्य आर्थिक स्थिति थी, अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं थी। संयोग की बात देखो कि गुरुदेव को किसी के घर पर रुकने में तकलीफ थी, किसी घर में रुके तो स्त्री रहे, उनके रिश्तेदार आवे जावे, तो किसी घर में लंबे समय तक रुकना कैसे होवे। तो भाई तुम्हारा विचार तो अच्छा है, तुम्हारी भावना तो उत्तम है, लेकिन तुम्हारे घर कैसे रुक सकता हूं। और यहां पुण्य का होता है देखो गुरुदेव का, कि स्टार ऑफ इंडिया में एक हरगोविंद भाई और रहते थे, कोई डॉक्टर हरगोविंद भाई, जो आजकल बॉम्बे रहते हैं, गुजर गए या नहीं गुजर गए मुझे मालूम नहीं है, उनके लड़के रह रहे होंगे इस समय। कहने का मतलब यह है कि वे उसमें रहते थे, थोड़े ही समय पहले वे खाली करके गए। वैसे खाली नहीं कर रहे थे वैसे खाली नहीं हो रहा था, वे खाली कराते थे हीरा भाई, लेकिन खाली नहीं होता था। लेकिन संयोग से खाली हुआ और अंदर से उनको ऐसा भाव आया कि अरे रे हमारा ये जंगल में, जंगल उस समय जंगल हो, जंगल जरा से घरों की बस्ती थी उमराणा में, अब तो खैर अब तो क्या कहें, अब तो 400 फ्लैट बन गए, अब तो बहुत कुछ हो गया वहां तो। उस समय कोई नहीं। दामाणी बोले कि साहेब हमारे जंग यदि आपकी कृपा हो, है ना, बताया तो ऐसा है कि जैसे ही वो हरगोविंद भाई के साथ वहां गए, उनके पास वैष्णव थे ना दोनों, तो दोनों गए, अब एक समाज के हो गए ना दोनों, तो एक दूसरे से मिलके बात करें, तो हरगोविंद भाई ने कहा कि हमारे साथ चलो, गुरुदेव को आमंत्रण देना है, हमारे घर पर रहेंगे वो, चले गए वो भी साथ में। गुरुदेव ने इनका तो मना ही कर दिया, तो वे बोले उसी समय, साहेब चेहरे का तेज देख करके उनको ऐसा लगा कि ये मोटा महात्मा छे, उनको ऐसा लगा अरे इसके चरणों में तो अपनी सारी संपत्ति अर्पित कर देना चाहिए, ये दामाणी का परिणाम। साहेब मैं आपके लिए कुछ करने लायक तो नहीं हूं, क्योंकि गरीब थे ना, सामान्य स्थिति थी, करने लायक तो कुछ नहीं हूं, लेकिन जंगल में एक छोटा सा बंगला पड़ा हुआ है, यदि आप चाहो तो उस बंगला में रहो, हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। ऐसा निवेदन करके पधारो पधारो महात्मा, हमारा मकान में बिराजो पधारो। और गुरुदेव श्री ने आखिरकार बढ़ते जाते जाते पहले ही रुक गए, और रुक करके हीरा भाई दामाणी इनके स्थान जिसका नाम स्टार ऑफ इंडिया, स्टार ऑफ इंडिया, उधर आकर के आखिर ठहरने का प्रोग्राम बन गया। और जगह देखते सही गुरुदेव को तो ऐसा लगा मानो मुक्ति मिल गई, मानो मैं कोई आज तमाम बंधनों से छूट गया, आज मुझे आजादी की सांस मिल रही है, मानो मैं अनादिकाल से अपने घर को खोए हुए युगों से ढूंढ रहा था, जो घर वो मुझे मिल गया। जैसे कोई बालक भटकते 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 अपने घर आ जाए तो कैसा लगे, गुरुदेव को ऐसा लगा। और आखिरकार वो वहां पर आकर के ठहर गए, है ना। भरतेज का भी परिचय लिखा है इसमें, भरतेज भावनगर से 10 किलोमीटर पहले पड़ता है, है ना। वहां विचार था परिवर्तन का, परंतु हीरा भाई दामाणी ने पहले ही निमंत्रण देकर स्टार ऑफ इंडिया पर बुला लिया। ए हीरा भाई दामाणी अपने हाथों से फिर गुरुदेव को दूध निकाल करके लावे, दूध ऐसे हर काम अपने हाथों से करें, झाड़ू पोछा करें, गुरुदेव की हर प्रकार से सेवा करने लगे। फिर वो हीरा भाई धामाणी का भी ऐसा पुण्य फला कि आज मेरे ख्याल से तो करोड़पति हैं। सही बात है, जैन शासन के रक्षक का पुण्य खुटता नहीं है, छिपता नहीं है पुण्य, और आज भी बहुत अच्छे संपन्न है, उनके लड़के यहां पर रहते हैं अभी, है ना। कहने का मतलब इस तरह से, वो दिन कौन सा था जब स्टार ऑफ इंडिया पर आए, 23 मार्च 1935 शनिवार का दिन, अर्थात फागुन बदी 30 1991 के समय यहां पर आ गए, उनके निवास पर यहां पर रहने लगे। और यहां पर रहने का समय हालांकि बाद में बता सकते हैं, लेकिन अभी बता देता हूं, 22 मार्च 1938 तक गुरुदेव यहां पर रहे, लगभग 3 वर्ष और 2 महीने तक यहीं पर रहे। इनके साथ दो साधु भी थे, जीवन महाराज और राजपाल महाराज, ये दो महाराज इनके संग थे। अभी कितने लोग हो गए, 3, है ना, 3 हो गए ना।
अभी इन तीन लोगों के भोजन की व्यवस्था मात्र दो वैष्णव परिवार से। गुरुदेव ने दोनों को बोल दिया, सुनने जैसी बात है कि दोनों को बोल दिया, भाई यदि हमें आत्म साधना करनी है तो दो परिवार हैं, इनके भी परिवार है, इनका भी कुटुंब है, इनके भी रिश्तेदार आते जाते हैं, एक काम करो, एक दिन उपास करें अपन लोग, एक दिन भोजन करें, एक एक दिन करके तीनों जने उपास करें। जबकि राजपाल महाराज की उम्र बहुत थी, बहुत उम्र थी, स्टार ऑफ इंडिया पर ही इनका देहावसान भी हो गया थोड़े ही समय बाद। गुरुदेव श्री को एक डेथ ये भी देखने को मिली थोड़े समय बाद, थोड़ा भोजन मिल सके उतने में ही आपस में गुजारा करें, पेट खाली रहे तो रह जावे, एक दिन का उपास, एक दिन ऊनोदर माने पेट से भी कम। चारों ओर भोजन की सुविधा नहीं थी, तीन बरस दो महीने भोजन की सुविधा नहीं, अन्य प्रकार की कोई सुविधा नहीं, इसके बावजूद इस साहसी व्यक्ति ने, इसे व्यक्ति क्या कहें, इस साहसी व्यक्तित्व ने, इस आत्मा ने, इस पवित्र आत्मा ने क्या साहस किया होगा जो मैं बाद में पढ़ के सुनाऊंगा भी आपको, अभी तो पढ़ के इसमें से सुना रहा हूं। इस तरह से एक घटना होते होते अब नक्की करना है, अभी पट्टी नहीं छोड़ी, अभी नक्की करना। तो हरि भाई भायणी को बुलाया कि भाई एक बात मैं बताना भूल गया ना, एक खुशहाल भाई ने भी फिर आखिरकार उस समय ये कह दिया दामोदर सेठ को कि आप लोग रोटी की चिंता छोड़ दो, सेठ जी दामोदर सेठ आप मेरे भाई की रोटी की चिंता छोड़ दो, मैं अपने भाई के सारे जीवन की व्यवस्था कर दूंगा, उमराणा में हालात अनुकूल ना लगने से योग्य स्थान की तलाश करने पड़ी, बस इतनी बात है, बाकी तो फिर खुशहाल भाई ने खूब समर्थन दिया। इस तरह चलते चलते अभी करें क्या, स्टार ऑफ इंडिया पर आ तो गए लेकिन तूफान तो बहुत चल रहा था चारों तरफ। तो एक व्यक्ति हरि भाई भायाणी दामा भायाणी नाम बदल देता हूं भायाणी ना, हाँ, अभी देखो गुरुदेव ने कहा भाई यहां कुछ भी हो सकता है, लोग आकर आग लगा सकते हैं, लोग पत्थर मार सकते हैं, लोग दरवाजे तोड़ सकते हैं, अभी पहरे की जरूरत पड़ेगी। तो हरि भाई भायाणी रात रात भर जाग करके पहरा देते थे, ये तो गुरुदेव का पुण्य का उदय था कि हुआ कुछ नहीं, लेकिन रात रात भर जाग कर पहरा। अभी आगे तो और विरोध की स्थिति बताएंगे, इस समय समाचार पत्रों में छापा में गुरुदेव का विरोध, छापा में विरोध, गुरुदेव की निंदा, कोई जाना नहीं, सब पर प्रतिबंध, जो गुरुदेव के पास जाएगा उसकी रोटी बेटी का व्यवहार बंद, समझते हैं रोटी बेटी है? रोटी बेटी का व्यवहार बंद, समाज से निकाल दिया जाएगा, ऐसा वैसा तमाम। अब आने वालों को तकलीफ कैसे आवे, आए तो आए कैसे, माने माहौल इतना खराब। दूसरी ओर जो झोंपड़ी मिली थी जंगल में उसमें चार चार पांच पांच बिच्छू रोज टपके ऊपर से, लेटरिंग की सुविधा नहीं थी, आधी रात को भी लेटरिंग जाना पड़े तो जंगल में जाओ अंधेरे में, कभी दस्त लग जाए, बीमारी हो जाए, बुखार चढ़ जाए तो कोई दूर दूर तक एक किलोमीटर में कोई सुनने वाला नहीं, रोजाना सांप निकले सांप, इतना घना जंगल, रात को अंधकार, पूरे स्टार ऑफ इंडिया में अंधकार, लाइट तो पूरे गांव में ही नहीं थी, दिया बुझा दो तो अंधेरा, और झींगरों की आवाज, मेंढकों की आवाज, बस एक अकेले गुरुदेव, दो साधु, तीन जने और पहरा देने वाले चौथा, क्या दशा आप कल्पना कर सको रे। मैं इसलिए सुना रहा हूं कि समय सारजी और ये सीडी और कैसेट तुम्हें आसानी से नहीं मिली है, इसके पीछे गुरुदेव का लहू बहा है, आतंक में एक दिन जी के तो देखो, एक अभी तुम्हें कोई धमकी दे दे कोई तुमको कि आज तुम्हारा मर्डर कर देंगे, रिवॉल्वर लेकर घूम रहे हैं 10 गुंडे, क्या होगा। ऐसी परेशानियों में एक गुरुदेव का परिवर्तन क्या, क्योंकि कच्चा खपरेल का मकान था, बिच्छू घूमते रहते थे, लेटरिन बाथरूम जाना हो तो सुविधा नहीं, कोई एक
एक कमरा वैसा और एक दूसरा, दो कमरा बाहर में ओसरी, और क्या था बोलो। ऐसे ऐसी परिस्थितियों में गुरुदेव ने एक समझ लो क्या कहना चाहिए, परिवर्तन करने का साहस किया। हरि भाई भायणी को बोला, भैया हरिलाल हवे आ स्थानक वासी नु चिन्ह मुंह पत्ती छोड़ी देवी छे, अने ते माटे चे सुधी तेरस तिथि नक्की करी छे, कहीं से कोई दिगंबर भगवान का फोटो तो लाओ। वो उस दिन सुनाया था, अभी फोटो कहां से लाए बोलो। नक्की कर ली तिथि, हो नक्की कर ली, क्या करें हैं, कहीं से कोई फोटो लाओ। साहेब मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो। चले गई और चे सुधी तेरस के दिन एक एक आसन जिस पर बैठ के गुरुदेव ने परिवर्तन किया, वो आसन लाए जो गुरुदेव श्री के कमरे में अभी तक रखा हुआ है, उस आसन पर बैठ करके उस दिन सुबह सुबह हरिभाई भायणी अपने पूरे परिवार के साथ आए और एक बंगले में ठहरे। डिप्टी साहब डिप्टी गवर्नर के बंगले में इनका उतारा हुआ, इनके परिवार का, हरिभाई भायणी का। और जो फोटो लेकर आए, पारसनाथ भगवान का फोटो, वो फोटो श्रवण बेल गोला के पास जिननाथपुरा स्थित, देखो कहां का फोटो निमित्त बना, श्रवण बेल गोला के पास एक जिननाथपुरा है, वहां पारसनाथ भगवान की 5 फुट की प्रतिमा, उस प्रतिमा का फोटो हरि भाई भायणी को कहां से मिला देखो। और वो फोटो लेकर आए, सामने विराजमान किया, सारा परिवार बैठ गया हाथ जोड़कर। हरिभाई भायणी ने चैत्य वंदना का पाठ किया 1 बजे, और गुरुदेव श्री ने नौकार नौकार मंत्र पढ़कर मुख पट्टी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी। उठकर बाहर आए, ऐसा लगा मानो जैसे कोई पंछी मुक्त हो गया हो पिंजरे में से। सिद्ध भगवंतों को आकाश में देख करके प्रणाम किया, समय सार जी को विराजमान करके साष्टांग दंडवत लेट गए। हे आचार्य कुन कुन देव आप साक्षी भूत रहो, हे अमृतचंद देव आप साक्षी भूत रहो, अब अनंत काल तक आपके मार्ग से पढ़ू नहीं, गिरू नहीं, चूकू नहीं, ऐसी मुझे शक्ति दो, ऐसा मुझे साहस दो प्रभु। हे सिद्ध भगवान इस समय मेरे पास कोई नहीं, मैं किसकी शरण में जाऊं, किसको आदर्श बनाऊं, किससे प्रेरणा लूं, किससे मार्गदर्शन लूं। हे अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतो, हे नेमिनाथ बाल ब्रह्मचारी नेमिनाथ भगवंतो, हे पंच बालयति तीर्थंकर भगवंतो, आप सिवाय मेरा कोई भी नहीं है। हे श्रीमंदर भगवान आप सिवाय इस समय मुझ बालक का कोई नहीं है, मैंने आत्मबल से और आपकी साक्षी से ये परिवर्तन किया है। अब यदि जिन शासन का प्रभाव मलिन नहीं होना होगा तो मेरे इस देह का कुछ नहीं बिगड़ेगा, और कितनी प्रतिकूलताएं मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुझे कोई चिंता नहीं। ऐसी खूब भावनाएं भाते 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 आखिरकार लगभग 45 मिनट का समय इसमें निकल गया, और 1:45 के लगभग गुरुदेव ने अपने परिवर्तन का एक निवेदन लिखा, निवेदन उन्हीं के अपने हस्ताक्षरों से, ओम शांति निवेदन, जो उनके अक्षर वही पढ़ रहा हूं पूरे निवेदन। ओम शांति, श्री परम सहज स्वरूप जिनेन्द्र वीतरागाय नमः। ओम परम सहज स्वरूप जिनेन्द्र वीतरागाय नमः। वर्तमान स्थिति नु परिवर्तन आमा मारा आत्महितनी विशेष वृद्धि ना कारणों, इसमें परिवर्तन इसमें मेरे आत्महित की विशेष वृद्धि के कारण से है, समझ में आ रहा है। मने ना लगता, मेरा मन नहीं लगता है, संवत 1989 ना पर्यूषण माथी, 89 बताया था ना अभी 89 पर्यूषण माथी फेरफार करवानी विशेष वृत्ति जनाई, जो के 87 थी ते सामान्य पणे विचारो आवता हता, तेना कारणों मा धर्मनी विशालतानु स्वरूप बाहर मुक्ता अचकाबू पड़तू ते चित्त में आघात रूप लागू। मेरे को अड़चन होती, क्या कहना, हिचकिचाहट होती है, जो सत्य मार्ग उसे कहने में मेरे को हिचकिचाहट होती है, इसलिए
मुक्ता अचकाव पड़तू ते चित्त में आघात रूप लागतू। अर्थ समझ सकते हो? मेरे चित्त में आघात लगता है कि मैं सत्य मार्ग को कहते हुए क्यों हिचकिचा रहा हूं, इससे मेरे पीड़ा होती है। क्या हुआ? तेमज बहारनी केटलीक मतनी संकुचितानी लीधे जे स्थिति में छऊं तेमा विरुद्धता ना थाए तो ठीक तेम थई के केटलाक बखत बीत्यो। 87 साल थी निवृत्ति लेवी प्रतिबंध ओछा करवा तेम बारंबार विचारो आभ्या करता हता करता हता। तेमा नवासी पछी तुरत निवृत्ति लई कयाक विशेष रोकाबू कहीं विशेष रुकूं तेवा घणाज विचारो आवता पण क्या रहू। नवासी से ये विचार तो आता था कहीं बस एक रुकने का अवसर तो मिल जाए, कहीं एक थोड़ा निकने रुकने का अवसर तो मिल जाए, लेकिन मिलता नहीं था। नक्की थतु नथी पण क्या रहू ते नक्की थतु नहीं। पछी तेम विचारो थया कि 90 साल राजकोट रहू। ये गुरुदेव ने अपना मंतव्य पछी निर्णय ऊपर आबू हवे मारु हित वर्तमान स्थिति में विशेष वृद्धि रूप न लागता आ परिवर्तन थाय छे। मने आ संप्रदाय में दीक्षित थया 21 वर्ष थया तेमा मारी यथाशक्ति सूत्रों ग्रंथों बाची बिचारी जानी ने मने आ रीते हवे अनुकूलता जणाई ते माटे आ परिवर्तन छे। ये गुरुदेव ने निवेदन लिखा। इस तरह से परिवर्तन होने के बाद गुरुदेव ने हरिलाल भाई को बुलाकर भाईणी को बुलाकर हरि भाई हरिलाल हवे थी हूं स्थानक वासी साधु नथी। अब से मैं स्थानक वासी साधु नथी हूं जैन श्रावक छू। हरि भाई भाईणी बोले साहेब दुनिया फरे तो भले फरे पण हूँ आजीवन आपना साथे ज रहवानू वचन आपू छू। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। मैं अब आजीवन आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, ये आपको वचन देता हूं। हैं? क्या कह रहे? निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहां भी प्राप्त हो। और आखिरकार गुरुदेव ने निर्दोष सुख और निर्दोष आनंद जहां प्राप्त हुआ वहां लिया। हैं? क्या कह रहे? अब ये समय तो हो गया नहीं तो हम आपको क्या कह रहे? देखो कल एक बात याद आ रही थी। देखो एक पंक्ति मैंने नोट की है परमार्थ विंसती में से गुरुदेव के संबंध में, आज ये सुनाता है आपको। गुरुदेव श्री को इतनी ताकत कहां से आई होगी? आई तो कहां से होगी? अंदर से ही। लेकिन मान के चलो गुरुदेव एक गुनगुना रहे थे उस समय, उस माहौल में एक गुनगुना रहे थे। सुखदायक गुरुदेव वचन जो सुखदायक गुरुदेव वचन जो मेरे मन में करें प्रकाश फिर मुझको यह विश्व जग शत्रु बन फिर मुझको यह विश्व शत्रु बन भले सतत देना ना त्रास। जब आचार्य कुन कुन के वचन मेरे हृदय में प्रकाश कर रहे हों फिर चाहे सारा जगत शत्रु बनकर मुझे दुख भी देता हो। देना जगत भोजन तक मुझको हो न पास में मेरे बीत और मेरे पास पैसा भी ना हो। देख नग्न उपहास करें जन। गुरुदेव कहते हैं यदि कपड़ा फट जाए और शरीर पर कपड़ा नहीं रहे तो भी मुझे तो परिवर्तन करना है।
यदि कोई मेरे नग्न को देखकर शरीर को देखकर यदि जगत उपहास भी करे, देख नग्न उपहास करे जन, तो भी दुखित नहीं हो चित्त। तो भी मेरा चित्त तो दुखी होने वाला नहीं है। इस तरह से परिवर्तन की घटना हमने सुनी और सुनाई है। अभी इसकी चर्चा बाद में हम और करेंगे, या ले लें अभी 15 मिनट बोलो हैं, कल ले लेंगे नहीं तो। आ और इसी बीच दोनों बहनों को पास में आने की मनाही कर दी, 6-8 महीने साल भर जब तक योग्य वातावरण नहीं हो जाए तब तक हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, अपने अपने घर जाकर आराधना करो, कल क्या होगा हमें नहीं मालूम है ना? क्या होगा वो तो ठीक है, लेकिन अभी ये देखो सम्यक निश्चय सुना दे, आकुलता तो नहीं होगी ना, नहीं तो फिर कल ले लेते हैं। नरभव मिला है मैं अपूरब कार्य करूंगा, जिन शासन पाया अभव का अभाव करूंगा, हे मेरा निश्चय हे सम्यक निश्चय, हे मेरा निश्चय हे सम्यक निश्चय, रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे। ये गुरुदेव चैलेंज कर रहे हैं, रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय बतलाता है किसे, निरपेक्ष ज्ञाता रूप हूं, मुझे कोई पुण्य की अपेक्षा नहीं है, मुझे साता की अपेक्षा नहीं है, मुझे दुनिया की अपेक्षा नहीं है, निरपेक्ष ज्ञाता रूप ही ज्ञाता ही रहूंगा, नरभव मिला है मैं अपूरब कार्य करूंगा, हे मेरा निश्चय ए सम्यक निश्चय, हे मेरा निश्चय ए सम्यक निश्चय, दुख के पहाड़ बाहे की प्रवृत्ति मार्ग में, दुख के पहाड़ कहां आते हैं, बाहर की प्रवृत्ति के मार्ग में, अंतरात्मा में तो दुख आते ही कहां हैं, हैं? आनंद की ही लोरे हैं निवृत्ति मार्ग में, उल्लास से निवृत्ति के, कितनी प्रतिकूलता और गुरुदेव की ताकत देखो, उल्लास से निवृत्ति के मार्ग में बढ़ूंगा, जिन शासन पाया है अभव अभाव करूंगा, हे मेरा निश्चय ए सम्यक निश्चय, इस मार्ग में तो कुछ, इस मार्ग में कुछ पाप तो होते ही नहीं है, रे पूर्व बंध भी सहज खिरते ही सही हैं। अर्थ नहीं कर रहा हूं, पढ़ रहे हैं केवल, घर जाके शांति से विचारना गुरुदेव को सामने रख के, हैं? कैसे कहो फिर दुख की, कैसे कहो फिर दुख की कल्पना करूंगा, जिन शासन पाया है भव का अभाव करूंगा, हे मेरा निश्चय ए सम्यक निश्चय, निंदा करें बेही जिन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, निंदा कौन करेंगे, निंदा करें बेही जिन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, अनुमोद ना करते जिन्हें कुछ ज्ञान सही है, कुछ हर्ष या विषाद में,
कुछ हर्ष या विषाद में मन में ना रखूंगा। समझ में आया कुछ? राजकोट वालों ने साथ क्यों नहीं दिया? विषाद नहीं। और इन्होंने इतना विरोध क्यों किया? विषाद नहीं। और हरि भाई भयाणी ने साथ दिया तो कुछ हर्ष बाबी साध में ना मन में धरूंगा। पाया है मुक्ति मार्ग अब इसमें ही चलूंगा। नरभव मिला है मैं अपूरब कार्य करूंगा। हे मेरा निश्चय ए सम्यक निश्चय। हे मेरा निश्चय ए सम्यक निश्चय। असहाय परिणमन है सब द्रव्यों का सदा। सभी द्रव्यों का असहाय परिणमन है। कौन किसकी सहायता करे और कौन किसकी सहायता मांगे। बांछा सहाय की नहीं। देखो कोई सहयोग नहीं करे इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन सहयोग की बांछा नहीं है ना, ये पुरुषार्थ। बांछा सहाय की नहीं मन में हो कदा। विश्वास किसका? विश्वास विश्वास निजाश्रय से ही शिव पद में लहूंगा। नरभव मिला है मैं अपूरव कार्य करूंगा। हे मेरा निश्चय ए सम्यक निश्चय। भवितव्य भली गुरुदेव की भवितव्य भली। भवितव्य भली काल लंबी आई है अहो। अरे 78 से लेकर 91 तक कितने बरस हो गए? 13 वर्ष। 13 वर्ष की घुटन आज निकली हो तो। भवितव्य भली काल लंबी आई है अहो। निमित्त भी मिले मिलेंगे योग ही अहो। मिल गए हरि भाई? मिल गए समय सार जी? मिल गया? मिल गया एक बंगला? मिल गया स्टार ऑफ इंडिया? मिल गया है? निमित्त भी मिले मिलेंगे योग ही अहो। हर हालत में, हर हालत में आराधना में थिर ही रहूंगा। बाप रे अपने तो रोम रोम कांप जावे। सही में रे क्या कह सके। हर हालत में, हर हालत में आराधना में थिर ही रहूंगा। जिन शासन पाया है अभव अभाव करूंगा। हे मेरा निश्चय ए सम्यक निश्चय। सुनो विघ्नों के भय से, विघ्नों के भय से मूर्ख ही गुरुदेव मूर्ख थोड़ी दे। विघ्नों के भय से मूढ़ ही निज लक्ष्य नहीं भजते। अपना काम नहीं करते मूर्ख लोग। कौन को कह रहे हैं? कौन को कह रहे हैं? समझ लेना विघ्नों के भय से मूढ़ ही निज लक्ष्य नहीं भजते। विघ्नों के आने पर भी धीर धीर ज्ञानी पुरुष मार्ग नहीं तजते। विघ्नों के आने पर भी धीर मार्ग नहीं तजते। निश्चिंत गुरुदेव श्री कहते हम तो निश्चिंत निराकुल। अरे अब हमें क्या आकुलता, दे जाए तो चली जाए, हमारा काम तो हो गया। निश्चिंत निराकुल हुआ निज साहस लहूंगा। जिन शासन पाया अभव का अभाव करूंगा। हे मेरा निश्चय हे सम्यक निश्चय। हे मेरा निश्चय ए सम्यक निश्चय। अभी देखो गुरुदेव की भावना। सबके प्रति मेरे सहज क्षमा भाव है। हे जगत के जीवों तुमने विरोध किया तो कोई बात नहीं, कोई ने सहयोग नहीं किया तो कोई बात नहीं। सब जीवों के,
सबके प्रति मेरे सहज क्षमा भाव है और करना क्षमा मुझको, करना क्षमा मुझको, क्षमा आत्म स्वभाव है। त्यागा है मोह राग, त्यागा है मोह, त्यागा है मोह राग आग में, अब मैं ना जलूंगा, अब मैं राग की आग में जलने वाला नहीं हूं। नर्भव मिला है मैं अपूरब कार्य करूंगा, हे मेरा निश्चय ये सम्यक निश्चय। पाया है ऐसा मार्ग जिसके बाद मार्ग ना समझ गए, पाया है ऐसा मार्ग जिसके बाद मार्ग ना, पाऊंगा ऐसा सुख जिसके बाद दुख ना है? समझ गए, अब तो बहुत सरल है। पाया है ऐसा मार्ग जिसके बाद मार्ग ना, पाऊंगा ऐसा सुख जिसके बाद दुख ना। जिसका ना हो अभाव, जिसका ना हो अभाव वह प्रभुता ही लहूंगा, नर्भव मिला है मैं अपूरब कार्य करूंगा, हे मेरा निश्चय ए सम्यक निश्चय। पाया स्वरूप झूठे स्वांग अब मैं ना धरूं, अब मैं झूठे स्वांग धरने वाला नहीं हूं। चेतन महल मिला अब भव भव में ना भ्रमूं, पाया स्वरूप झूठे स्वांग अब मैं ना धरूं, चेतन महल मिला अब भव में ना भ्रमूं। ध्यान से सुनना, चाहो तो जन्म तक के बैकग्राउंड में चले जाना, इस लाइन में चले जाना, बता तो चुके हैं। दारिद्र फिर जिसमें नहीं, दारिद्र फिर जिसमें नहीं वैभव लहूंगा, आनंद चतुष्ट है अपने आत्मा के आनंद गुणों का ऐसा वैभव लहूंगा जिसमें कभी गरीबी आने वाली है। दारिद्र फिर जिसमें नहीं वैभव लहूंगा, निर्भव मिला है मैं अपूरब कार्य करूंगा, हे मेरा निश्चय ए सम्यक निश्चय। अब गुरुदेव श्री आप लोगों को भी कह रहे हैं, तज करके मोह देख लो आनंदमय मारग, तज करके मोह देख लो आनंदमय मारग, निशंक हो जाओ सभी, निशंक हो जाओ सभी आनंदमय मार्ग, आनंदमय जिन मार्ग का, आनंदमय जिन मार्ग का प्रभाव करूंगा, नर्भव मिला है मैं अपूरब कार्य करूंगा, अब तो जैन शासन की प्रभावना करूंगा है। ए मेरा निश्चय ए सम्यक निश्चय, इस मार्ग से ही पाया है भगवंत ने भव अंत, इस मार्ग से ही पाया है भगवंत ने भव अंत, इस मार्ग में ही बिचरे अभी भी ज्ञानी साधु संत, उनका ही अनुसरण आचार्य कौन कौन का अनुसरण, आचार्य अमरचंद देव का अनुसरण, समस्त दिगंबर जिन मुनिराजों का अनुसरण है, उनका ही अनुसरण निजानु भवन करूंगा, जिन शासन पाया अभव का अभाव करूंगा, नर्भव मिला है मैं अपूरब कार्य करूंगा, ए मेरा निश्चय हे सम्यक निश्चय, हे मेरा निश्चय
ओम नमः शिवाय। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो सुवाणी मस्तक न हो सदा देत हो।